Very good morning. We are going to start a new subject, that is internet and web technology. In this, our first topic is the introduction of IWT, concept of World Wide Web, internet and World Wide Web. So let's start. First, we come to the introduction of WWW. WWW stands for World Wide Web. It is also called as Web or W3. So now let us see that what is World Wide Web. The World Wide Web is a way of exchanging information between computers on the internet. जो भी information हम exchange करते हैं computers के बीच में या जो भी data हम access करते हैं वो World Wide Web, that is WWW की help से करते हैं. The World Wide Web is the network of pages, images, text and sounds on the internet. ये क्या रहता है? ये नेटवर्क रहता है पेजेस का, और हर एक पेजेस में क्या रहती है? इमेजेस, टेक्स्ट, साउंड्स, इंटरनेट पे जो भी चीजें रहती हैं, और विच कैन बी व्यूड यूजिंग ब्राउजर सॉफ्टवेयर. और ये हम सिर्फ किसकी हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं? ब्राउजर की हेल्प से. द वर्ल्ड वाइड वेब कंसिस्ट ऑफ अ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स. ये जो वर्ल्ड वाइड वेब रहता है ये कंसिस्ट करता है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स का, जो कि वेब पेजेस भी कहलाते हैं. नाउ वी कम टू द इवोल्यूशन. The World Wide Web was invented by British scientist Tim Berners-Lee in 1989. 1989 में ये invent करा गया था और 1992 में publish हुआ था. The main objective behind the invention of WWW was to combine recent computer technologies. जो main objective था इसको invent करने का वो क्या था कि जो recent computer technologies, data network और hypertext था, इन सबको combine करके एक user friendly और इफेक्टिव ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने के लिए, इन तीनों को कंबाइन करके एक ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया जो कि यूजर फ्रेंडली हो. इसके अंदर दो टाइप के कंपोनेंट्स रहते हैं. एक अपन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं और एक सिमेंटिक कंपोनेंट्स हैं. तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में क्या क्या आएगा? क्लाइंट्स, ब्राउजर्स, सर्वर्स, कैशेज, इंटरनेट, ये सब जो है ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में आते हैं. और सिमेंटिक कंपोनेंट्स क्या क्या रहते हैं हमारे? HTTP, Hypertext Transfer Protocol, HTML, that is Hypertext Markup Language, XML and URIs. ये सारे इसके सिमेंटिक कंपोनेंट्स में. HTTP, HTML, XML ये अभी हम नेक्स्ट चैप्टर्स में और इलाबरेट करके समझेंगे. नाउ वी कम टू सम टर्मिनोलॉजीज. कुछ टर्मिनोलॉजीज जो कि हम यूज करेंगे वो देख लेते हैं. सबसे पहले हाइपरटेक्स्ट. हाइपरटेक्स्ट का मतलब क्या रहता है? हाइपरटेक्स्ट इज अ टेक्स्ट विच कंटेन्स लिंक्स टू अदर टेक्स्ट, जो कि दूसरे टेक्स्ट के लिए लिंक्स कंटेन करती है. जैसे आपने ब्लू कलर की लिंक्स देखी होंगी, वो लिंक्स पे आप जैसे ही क्लिक करोगे वो किसी और टेक्स्ट पे ले जाते हैं, तो वो हाइपरटेक्स्ट कहलाता है. नेक्स्ट इज वेब ब्राउजर. अ वेब ब्राउजर डिस्प्लेज अ वेब डॉक्यूमेंट एंड इनेबल्स यूजर टू एक्सेस वेब डॉक्यूमेंट. वेब ब्राउजर क्या करता है? वेब डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले कराता है, और साथ ही साथ इसकी हेल्प से हम वेब डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस भी कर सकते हैं. जो भी हम सर्च करते हैं वेब ब्राउजर पे ही जाके यूजर टाइप करेगा और वो उसकी हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं हम सारे. कुछ एग्जांपल्स देखें अगर वेब ब्राउजर्स के, तो जैसे क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स, ये सब वेब ब्राउजर के एग्जांपल्स हैं जो कि हम यूज करते हैं. नेक्स्ट इज वेब सर्वर. वेब सर्वर क्या रहता है? दिस इज अ प्रोग्राम दैट वेट्स पेशेंटली फॉर द ब्राउजर टू रिक्वेस्ट अ वेब पेज. ये वो प्रोग्राम है वेब ब्राउजर जिसकी हेल्प के लिए क्या करेगा, रिक्वेस्ट जो भी वेब ब्राउजर से आती है जिस भी वेब पेज की, उसके लिए वेट करेगा. उसके बाद क्या करता है? द सर्वर लुक्स फॉर द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन, रिट्रीव्स इट एंड सेंड इट टू द ब्राउजर. क्या करेगा? जैसे ही कोई अपन ने रिक्वेस्ट करी, कोई भी वेबसाइट जैसे ही हम टाइप करेंगे ब्राउजर के अंदर, वो रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाती है. सर्वर वो वेब पेज की इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है वो रिट्रीव करके वो ब्राउजर को वापस भेज देता है, और ब्राउजर यूजर को वापस सेंड कर देता है उसकी स्क्रीन पे. अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं मिल पा रहा है तो वेब सर्वर एक एरर मैसेज डाल देगा कि फाइल इज नॉट फाउंड. तो इस तरह से वेब सर्वर जो है वर्क करता है. दैट नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. दीज आर द वेब एड्रेसेस. ये क्या रहते हैं? वेब एड्रेसेस रहते हैं. जो भी हम वेब पेजेस वगैरह यूज करते हैं उन सब का एक एड्रेस रहता है जो कि URL कहलाता है. द रिसोर्स लोकेटर इज एन एड्रेसिंग सिस्टम. इसके अंदर क्या है? ये एड्रेसिंग सिस्टम है जिसकी हेल्प से सर्वर्स और ब्राउजर्स जो हमें डेटा प्रोवाइड करते हैं. वेब पेज. वेब पेज क्या रहता है? वेब पेजेस आर जनरली सेट्स ऑफ टेक्स्ट फाइल्स कोडेड विद
स्पेशल नोटेशन कॉल्ड HTML। वेब पेजेस जो रहते हैं वो टेक्स्ट फाइल्स रहती हैं जो कि HTML में कोडेड रहती हैं, दैट इज इंटरप्रेटेड बाय वेब ब्राउजर प्रोग्राम रीडिंग द फाइल, और जो कि वो फाइल्स कौन फिर वेब ब्राउजर उसको इंटरप्रेट करता है ताकि वो फाइल्स को रीड कर सके। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। नेक्स्ट इज हाउ WWW वर्क, अ वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो वर्क कैसे करता है। वी नो दैट WWW इज अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स, ये बहुत सारी वेबसाइट्स का कलेक्शन है जो कि किससे कनेक्टेड है, इंटरनेट से। इंटरनेट से कनेक्ट है सो दैट द पीपल कैन सर्च, कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सके और शेयर कर सके। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ इज वर्क, कैसे वर्क करता है एक बार अपने डायग्राम में देखेंगे। वेब ब्राउजर जो है, वेब ब्राउजर के अंदर जाके यूजर कोई भी क्या करेगा, रिक्वेस्ट लिखेगा। रिक्वेस्ट जो भी टाइप करेगा वो वेब सर्वर के पास जाती है। वेब सर्वर उस पेज को सर्च करेगा जहाँ पे वो है, वहाँ से वो रिट्रीव करके डेटा वापस वेब ब्राउजर को सेंड कर देता है। तो इस तरह से ये पूरा जो है वर्ल्ड वाइड वेब हमारा वर्क, वर्ल्ड वाइड वेब की वर्किंग जो अभी मैंने देखा था उसका और एलैबोरेट ये एग्जांपल है। वेब ब्राउजर जो है वो क्लाइंट है हमारा, रिक्वेस्ट करेगा वेब पेज, वो इंटरनेट के थ्रू रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, वेब सर्वर के पास जाएगी। वेब सर्वर उसका HTML फाइल्स जो है वो ब्राउजर के पास भेजेगा और ब्राउजर उसको किसका करेगा, क्लाइंट के पास सेंड कर देगा। तो इस तरह से पूरा वर्ल्ड वाइड वेब हमारा वर्क करता है। नाउ वी कम टू व्हाट इज इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है वो दोनों डिफरेंट है, एक दूसरे के सिनोनिम्स नहीं है। द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट क्या है, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क है। वाइल द वेब जिसको हम ऑल्सो वर्ल्ड वाइड वेब भी बोलते हैं, वो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है विच इज एक्सेस्ड वाया द इंटरनेट। जो इंटरनेट है हमारा वो नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क है, पूरा नेटवर्क्स का कलेक्शन है, और जबकि वेब जो है वो एक इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं वाया इंटरनेट। तो इंटरनेट हमें क्या करता है, हेल्प करता है जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस करने के लिए, और किसकी हेल्प से होगा, वो वर्ल्ड वाइड वेब से। तो वर्ल्ड वाइड वेब पे जो भी इंफॉर्मेशन है हम वो इंटरनेट की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। द इंटरनेट कैन बी व्यूड एज अ, एग्जाम्पल है इसका ये, इंटरनेट कैन बी व्यूड एज अ बिगेस्ट बुक स्टोर। इंटरनेट को हम एज अ बिग स्टोर की तरह देख सकते हैं, और वाइल द वेब कैन बी व्यूड एज अ कलेक्शन ऑफ बुक ऑन द स्टोर। और वेब क्या है, उसका एक कलेक्शन है बुक का उस स्टोर के ऊपर। तो ये इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब का डिफरेंस। इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट क्या है, बहुत सारे कंप्यूटर्स का नेटवर्क है। इट इज़ अ मैसिव नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि बहुत सारे नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क है। इन दिस कंप्यूटर्स कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग अ कॉमन प्रोटोकॉल। इसके अंदर जो है कंप्यूटर्स एक दूसरे से किसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ TCP/IP, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की हेल्प से। And the World Wide Web is one of the services that run on internet. World Wide Web जो है वो एक तरह की services हैं जो कि internet पे run करती हैं। We can say that it is a way of accessing the information. इसकी World Wide Web की help से हम access कर सकते हैं information को। तो in this chapter, आज हमने इस lecture में क्या क्या देखा है, internet, World Wide Web and internet and World Wide Web में difference क्या है। In the next lecture, we will understand about the HTTP, that is Hypertext Transfer Protocol. Thank you.